कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल अभिषेक कश्मी किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सिंधी कढ़ी, जो कि एक काफ़ी डिलीशियस और हेल्दी फूड है। और ये काफ़ी कम और बहुत प्राकृतिक मसालों से बनने वाली सब्जी है, जिसमें बहुत तरह के सब्जियां डलाती हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो इसके लिए हमको चाहिए 200 ग्राम के आसपास भिंडी, जिसको मैंने आगे पीछे से काट लिया, चीरा कर दिया है बीच में। और ये टेरा रूट या अरबी बोलते हैं, ये चाहिए हमें। एक कच्चा आम या टिकोला जो होता है वो हमें चाहिए। हरी मिर्च चाहिए 5-6। उसके अलावा हमें ड्रमस्टिक चाहिए, सहजन जो लंबे वाले होते हैं वो। उसके बाद हमें परवल चाहिए, इसे भी हम लोगों ने छील कर काट लिया है परवल को, इसे कहीं कहीं पटल भी बोलते हैं। उसके बाद हमें करी पत्ता चाहिए दोस्तों, 3 से 4 करी पत्ते के डंटी जो होती है वो चाहिए। तो इतनी चीज़ें हमें चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए आलू। आलू को हमने लंबा लंबा मोटा काट लिया इस तरीके से, और पानी में सोक करने के लिए रख दिया है, ताकि इसका स्टार्च सारा चला जाए, इसे गर्म नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए राई या निकाला सरसों 1 चम्मच, और 2 छोटे चम्मच चाहिए हमें फेनुग्रिक, मतलब कि मेथी और जीरा। हमें बेसन चाहिए, 3 बड़े चम्मच बेसन हम यूज़ करेंगे, और हींग चाहिए हमें 1 छोटा चम्मच। तो इतनी सारी चीज़ें हमें चाहिए अपनी सिंधी कढ़ी बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम फुल आंच पर एक कुकर चढ़ा देंगे, और साथ ही साथ हम एक कढ़ाई भी चढ़ा देंगे फुल आंच पर। ये देखिए मैंने दोनों को चढ़ा दिया है। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, तब तक हम क्या करेंगे कि कुकर में रिफाइंड ऑयल डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच। रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, और अब रिफाइन ऑयल को हम गर्म होने देंगे। जब रिफाइन ऑयल पूरी तरह से गर्म हो जाए, तो हमारी मेथी, जीरा और काली राई थी, इसे हम इसमें पलट देंगे, और इसे कम से कम 15-20 सेकंड 25 सेकंड तक छौंका लगाएंगे इसका। तो ये देखिए इसमें बबल आने शुरू हो गए हैं। तो जब तक ये गर्म हो रहा है, तब तक हम अपना बेसन निकाल लेंगे 3 बड़े चम्मच। 3 बड़े चम्मच देख रहा है, मैंने भर के निकाला है यहाँ पर। तो ये हम इसमें लेकर पलट देंगे। ये बेसन है, ये देख सकते हैं कि वो अच्छे से गर्म हो गई है, इसमें फ्राई हो गई है हमारा जो क्यूमिन और फेनुग्रिक था। अब इसमें हम बेसन डाल देंगे, और इस बेसन को हम अच्छे से चला लेंगे, उसी में मिला देंगे पूरी तरह से। ये देखिए पूरी तरह से मिलाना है, इसका काफ़ी अच्छा एरोमा आता है। जब बेसन आप किसी भी तेल में या कहीं पर ये करते हैं, तो काफ़ी अच्छा एरोमा आता है। अब हम ये जितने भी कड़ी पत्ते थे, ये सबको निकाल लेंगे। मैंने 4 से 5 डंठल लिए हैं कड़ी पत्ते, ये सब हम इसमें डाल देंगे। इसे फिर हम चलाएंगे। ये सारा प्रोसेस जो है दोस्तों, ये गर्म तेज आँच पर ही हो रहा है, हमने आँच धीरे नहीं किया, याद रखिएगा। और उधर हमारी कढ़ाई भी गर्म हो रही है। अब हम इसमें हींग डालेंगे 1 छोटा चम्मच, ये 4 से 5 चुटकी हींग डालना है। ये देखिए हमने हींग डाल दिया। बैक टू बैक आपको सारी चीज़ें डालते जानी हैं जो मैं डाल रहा हूँ। बस एक बार जब मैंने छौका लगाया, उसके बाद जल्दी से हमारा जो टिकोला था उसे हम काट लेंगे। और जितना भी आप खट्टा खाना चाहते हैं, मैं लगभग टोटल 1/2 किलो सब्जी की बना रहा हूँ, तो मैं 1/2 टिकोला के आसपास डाल रहा हूँ, पतले पतले स्लाइस करके। तो हम वो टिकोला इसमें डालेंगे। तो हमने गैस को धीरे कर दिया है, तो दोस्तों जब तक हमारा टिकोला स्लाइस हो रहा है, तब तक हम इसमें मसाला डाल देते हैं। मसाले में हमें केवल हल्दी डालनी है दोस्तों, तो हम 1 बड़े चम्मच या 2 छोटे चम्मच हल्दी के डालेंगे, और इसे फिर से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे 1/2 लीटर के आसपास। पानी से कुकर को आधा पूरा भर देना है आपको। आँच हमने तेज कर लिया है और चलाना है। जब हम पानी डालेंगे, तभी हमें आँच तेज करना है, याद रखें। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ मैं
एक बड़ा चम्मच या दो छोटा चम्मच समझ लीजिए कि नमक डाल रहा हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, और जो खटाई के लिए टिकोला हम यूज़ कर रहे हैं इसे भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। अगर आप ज़्यादा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा टिकोला भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे पहले पील कर लें, छील लें, और अंदर का उसका जो खाने वाला पार्ट है बस वो निकालें, गुठली वगैरह हटा दें उसकी। ये देख सकते हैं मैं जो खाने वाले पार्ट नहीं वो हटवा रहा हूँ, और इसे सबको हम इस सीधे डाल देंगे। ये हमने डाल दिया, देखिए कितना खूबसूरत इसका धीरे धीरे टेक्सचर आ रहा है, और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। आज हमने तेज़ी रखा है जब तक उबाल ना आ जाए पानी में। अब हम इसमें आलू जो हमने डाले काटे थे वो हम इसमें डालेंगे। आपको जितने आलू ज़रूरत हो उतने आप डालें दोस्तों। इसमें आलू थोड़ा थोड़ी ज़्यादा ही रखें, 50% के आसपास आपको इसमें आलू डालना है। 50% में आपको सारी सब्जी यूज करनी है। अगर आप सब्जी ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप 40% के आसपास आलू डालें, और बाकी सब्जियों को आप 60% में डालें। अब हम अपना चीरा मार लेंगे, जो हमारा हरी मिर्च थी, जितना आप तीखा खाना चाहते हैं वैसे इसे थोड़ा सा तीखा ही बनाएं, ये उतनी तीखी नहीं बनेगी। इसमें सारा टेस्ट मिक्स रहता है, खट्टा तीखा और नमकीन का। इसे बीच में चीरा मार ले रहे हैं हम यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। सबके बीच में हम लोग देख रहे हैं चीरा मार दिया। और ये सारी मिर्च को हम लेकर उसमें पलट देंगे। आँच हमने तेज़ी रखा है, याद रखें, इसमें पूरा उबाल आने दें। इसे फिर थोड़ा सा हमने चला लिया। अब हम कुकर की लीड लगा देंगे और आँच को तेज़ी रहने देंगे, ज़्यादा कम नहीं करना है। और इसमें 1 सीटी बजने का वेट करेंगे। जब तक कुकर सीटी मार रहा है तब तक हम सरसों तेल डालेंगे एक कढ़ाई में। याद रखें दोस्तों, सरसों तेल हम फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं सब्जियों को, तो उतना ही हिसाब से लें जितने सब्जियां फ्राई हो जाएं, बाकी कम से कम आपका सरसों तेल बचे। अब हम सारी सब्जियों को एक एक करके डालेंगे। पहले हम भिंडी डालेंगे और भिंडी को फ्राई कर लेंगे। सबको इकट्ठे फ्राई नहीं करना है क्योंकि सबके फ्राई होने की टाइमिंग अलग अलग होती है। तो आप पहले भिंडी को डालें, भिंडी को फ्राई होने दें। परवल की भी टाइमिंग लगभग लगभग सेम होती है, तो भिंडी परवल को एक साथ डाल रहे हैं। तो इन दोनों को अब हम फ्राई करेंगे। जब तक भिंडी और परवल फ्राई हो रहा है दोस्तों, तब तक हमारी जो अरवी है इसका हम पतला पतला चीरा लगा देंगे। एक अरवी को सामने से 2 स्लाइस करना है हमें। अगर आपकी अरवी थोड़ी सी मोटी है तो आप उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। न ज़्यादा पतला रखना है इसमें किसी सब्जी को, न ज़्यादा मोटा रखना है। ये हमारा कुकर सीटी मार दिया। ये हमारे भिंडी और परवल फ्राई हो चले हैं, तो इसे हम सेपरेट निकाल देंगे एक अलग थाली में अपने, ताकि हम दूसरी सब्जियां इसमें डाल पाएं। आप दोस्तों तेल कम से कम यूज़ करें। मैं भी डिश बनाता हूँ तो चाहता हूँ तेल कम से कम यूज़ हो, और बचे हुए तेल को कोशिश करें दोबारा यूज़ ना करें, वो बहुत हार्मफुल होता है सेहत के लिए। तो एक बार जो हम उतना ही तेल डालेंगे जिसमें सारी सब्जियाँ फ्राई हो जाएं और कम से कम हमारा तेल बचे। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आपका तेल बच गया है तो उसमें आप सब्जी, मान लीजिए कोई सब्जी बना रहे हैं, पहले फ्राई करके बाद में सब्जी भी उसी तेल से आप बना सकते हैं, लेकिन वो तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। कुकर को हमने फिर बंद कर दिया है। ये हमारी अरवी भी फ्राई हो गई, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब हमारा केवल सहजन बचा जो कि ड्रंक है, उसको भी डालकर हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारा सहजन फ्राई हो रहा है, इसे भी हम उसी तरीके से फ्राई करेंगे अच्छे से। कोई भी सब्जी को ज़्यादा फ्राई ना करें ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ना घट जाए। अब हमारा सहजन फ्राई हो चला है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। दोस्तों ड्रमस्टिक 2 तरह के आते हैं जो सहजन होते हैं। एक लंबा लंबा आता है एकदम सीधा, और एक मुलायम वाला आता है। तो आप लंबे लंबा वाला यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो ये हमारी सभी सब्जियां निकल गई हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा जो ये कुकर है इसकी सारी सीटी निकाल देंगे और उसके बाद अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अब हम इन सब्जियों को लेकर वापस इस कुकर में डालेंगे। एक बार जब सारी सब्जियां हम वापस डाल देंगे तो उसे एक बार चला लेंगे ताकि सारी सब्जियां जो ग्रेवी है जो रस है उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद दोस्तों अपना जो कुकर का लीड है एक बार फिर से लगा देंगे और वापस इसे एक सीटी और आने तक हम इसे जला लेते हैं पहले कुकर को, एक सीटी आने तक। फिर हम इसका वेट करेंगे, उसके बाद ऑफ कर देंगे। ये दोस्तों एक और सीटी आ गई, अब हम इसे ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग कुकर खोलने जा रहे हैं। ये देखिए क्या लाजवाब हमारी सिंधी कढ़ी बनी है, जैसा सोचा था बिल्कुल एकदम वैसी ही बनी है। तो अब हम इसे निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों क्या अच्छा इसका टेक्सचर आया है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये काफ़ी हेल्दी है। इसके न्यूट्रिशन कंटेंट हैं वो बरकरार रहते हैं। सब्जियां हम लोगों ने जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम एज इट इज़ हैं और ये ज़्यादा फैटी भी नहीं है। आप इसे खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने अगर ये बनाई तो आपको कैसी लगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।